विष्णु साक्षी का हृदय हम शादी के अच्छा 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 तो ते तबरते समय में 1,25,000 गाय को दान करे अच्छा हिमाचल राज्य हाँ 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 अब तभी हम शंकर पार्वती शादी हुए अच्छा जो हम मेन अच्छा ये फ्रेंड्स चलेंगे त्रिजुगी नारायण के दर्शन के लिए और इससे पहले हम आपको काली मठ के और रुच महादेव के दर्शन करा चुके हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर हैं और त्रिजुगी नारायण जो स्थान है वो है शिव और पार्वती जी का विवाह स्थल। वहाँ पर जो है हर साल एक सावन के महीने में जो है वहाँ पर जो है एक मेला लगता है, बहुत ही भव्य मेला जो है आयोजित होता है वहाँ पर। और कहा जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो वहाँ पर जो है अपनी मन्नत लेके आते हैं और भगवान महादेव जो है उनकी वो मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ले चलेंगे महादेव के मंदिर त्रिजुगी नारायण। से आगे यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरा हरियाली हरियाली है चारों तरफ, बादल भी लगे हुए हैं, बारिश के चांसेस लग रहे हैं। और ये है रोड के हाल, बहुत ही बुरा हाल है रोड का। पानी तो करते किले सबका अधिकार है, ऐसा पंचायत का मामला है, ये कोई दिक्कत वाली बात है। ये है भगवान त्रिजुगी नारायण का मंदिर। कहते हैं यहीं पे जो है शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी। चलो नहीं होता दर्शन कर दर्शन कर ये बड़ा बोल। तो फ्रेंड्स ये है त्रिजुगी नारायण मंदिर और कहा जाता है जो शिव जी की शादी हुई थी वो यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर जितने भी भगवान हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे उस समय। और ये देख सकते हैं आप मंदिर को, ये मंदिर का आंगन है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। ये कहा जाता है शिव जी की शादी यहीं पर हुई थी। इन पजेंस ऑफ आवर गॉड्स और आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा बता रखा है इस मंदिर के बारे में। यहाँ पर कहा जाता है जो कुंड है सरस्वती कुंड, उसमें जो पानी आता है वो निकलता है भगवान विष्णु की नाभि से। और यहाँ पर जो ज्योति है जो आग है प्रज्वलित जो होती है ये वो आती है और वो 3 युगों से जलती आ रही है और अब तक वो जल रही है। और ये है यहाँ का शिव जी का मंदिर। इस तरफ आपको दिखेंगे बजरंगबली, यहाँ पर है बजरंगबली। ये है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, यहाँ पर अन्नपूर्णा माता हैं, यहाँ पर विद्यमान है गणेश भगवान, मुख्य द्वार है ये मंदिर का, जो है एंट्री यहीं से होती है मंदिर की।
इस समय कोरोना की वजह से जो है भीड़ भाड़ नहीं है मंदिर में, इसलिए आराम से दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर जो है शिव जी फिर विद्वान है, और अब मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर जो कुंड है उनके दर्शन। यहाँ पर टोटल 7 कुंड हैं, जिसमें से यह है ब्रह्म कुंड हमारा, ब्रह्म कुंड, यह है रुद्र कुंड, रुद्र कुंड है ये, रुद्र ना, रुद्र कुंड रुद्र कुंड, यह है विष्णु कुंड यहाँ पर, और ये है सरस्वती कुंड, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नारद कुंड, नारद कुंड। यहाँ पर टोटल 7 हैं, जिसमें से 5 बाहर हैं, 2 अंदर हैं, एक सूर्य कुंड जिसमें कुछ भोजन बनता है, यहाँ पर उनका भोजन जो है सूर्य कुंड के पानी से बनता है, और उसके अंदर है अमृत कुंड जो कि जिससे चढ़ता है, जो इसे स्नान होता है केवल भगवान का। तो यहाँ पर टोटल 7 कुंड हैं, जिसमें से 5 कुंड बाहर हैं आपके और 2 कुंड अंदर हैं। एक कुंड से खाना बनता है यहाँ का, और दूसरा कुंड जो मेन कुंड है अंदर अमृत कुंड, उनसे भगवान जी का स्नान होता है, और ये सबका पानी जो है वो आता है यहाँ पर रुद्र कुंड में। और इस कुंड में जो है आप लोग स्नान कर सकते हैं, यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, और ये ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में जो है आप स्नान कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 कुंड हैं यहाँ पर मेन, जहाँ पर जो है आप इन 7 कुंड जो इनकी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी, पौराणिक वैल्यू यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर कभी भी आइए, और यहाँ पर जो भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब की शादियाँ यहीं होती हैं, वो अपना आराम से आते हैं यहाँ पर, शादी करते हैं, और शादी करके जो मेन जो फेरे होते हैं शादी के वो यहीं पर। करमशिला 12 में जाना ना, नहीं जाना ना, ना कुछ बताओ जैसा। जब लोग पूजा होनी पंच नाम देव परिक्रमा करी था पूर्व जो गणेश भगवान पूरब के खोली पर भीतर जाने ने। अच्छा। शब्द पति फेरा जमाग्नि जो प्रज्वलित तो त्रेता युग उठने जो अभी जगह आग से अभी तो जो अपने आप उन्होंने पैदा किया हुआ, तब से वो जल रही है, तो तब ये खा लोग बारी पर सीरियल नंबर 3-3 दिन के वहाँ लकड़ी डालते हैं, वहाँ से पानी मत भरना, तक भी नहीं बन पानी, तक भी बन पानी पे ये विष्णु कुंड। अच्छा विष्णु कुंड, तीसरे कुंड तो स्वच्छ नहीं है, विष्णु कुंड है सो ब्रह्म कुंड सो प्योर पानी को को बेबन ये विष्णु कुंड, विष्णु कुंड ये। अच्छा यमुना नहीं पड़ है, यमुना तर्पण। अच्छा 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 यमुना, अच्छा 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 तर्पण बोल यमुना। अच्छा आप शुभ नाम सूर्य प्रसाद, सूर्य प्रसाद पंडित जी। अच्छा पंडित जी कुछ नहीं है ये यमु अन्नपूर्ण माता। अच्छा यमु ये यमु कुछ नहीं, यमु ईशानेश्वर महाराज। तो पैतृ बेटे अर्धनारेश्वर यक बजरंग बली। अच्छा ओ धुनी सागर, धुनी सागर ये यहाँ पे प्रथम द्वार पे। अच्छा प्रथम द्वार मेन एंट्री। अच्छा अभी नहीं खुलता ना, ये तो लॉकडाउन के हिसाब से बंद है। हाँ ये तो प्रवेश द्वार यही है। अच्छा सभी यात्रियों ने अंदर जाना था, सही बात, क्या करना। हाँ जब ऑर्डर होगा आगे से तब। सही सही ओ अच्छा, तो ये अभी जो है भोग का समय है, यहाँ पर भोग चल रहा है, पकवान की आरती हो रही है। ये है महालक्ष्मी यज्ञ, जब यहाँ पर कोई भी यज्ञ होता है तो यहाँ पर जो है उसकी यज्ञ को किया जाता है बेसिकली। ये लज्ञ लक्ष्य है यज्ञ का। अभी ये जो चल रहा है, ये चल रहा है हमारा भोग का, आरती का समय, इस टाइम भोग चढ़ता है। जो ये पंडित जी जो हैं इस टाइम भगवान जी का
जो है वो पूजा कर रहे हैं, भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो भोग चढ़ेगा और उसके बाद जो है प्रसाद वितरण होगा यहाँ पर। अब जो है हम लोग कर रहे हैं एक परिक्रमा, क्योंकि प्रसाद हमने ले लिया है। ये मंदिर की हम लोग कर रहे हैं परिक्रमा इस टाइम पे, फिर प्रसाद हम लोग ने ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये है सोनप्रयाग। जब आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो सोनप्रयाग में जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेलीपैड है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग से ये लगभग 12-13 किलोमीटर है त्रिजुग नारायण। तो जब भी आप इधर आएँ सोनप्रयाग, अगर आपको स्टे करना हो तो आप जो है आप त्रिजुग नारायण ज़रूर आएँ, और त्रिजुग नारायण से यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। इस पॉइंट से पूरा आपको सोनप्रयाग दिखाई देगा, और होटल्स वगैरह की भी सुविधा है सोनप्रयाग में भी और त्रिजुग नारायण में भी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा हमारा ये त्रिजुग नारायण का वीडियो। और अगर आपको त्रिजुग नारायण का वीडियो पसंद आया, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और जो उत्तराखंड के जो हमारे दार्शनिक स्थल हैं इनकी नॉलेज और ट्रैक्स की आपको अपडेट नॉलेज देते रहें, बताते रहें इनके बारे में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।